प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर के मानवीय जीवन की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका दैनिक जीवन क्रम हर प्रकार के दिखावे की जादूगरी और अनोखे कामों से दूर था। उसका जीवन पूर्णतया मानवीय था, ऐतिहासिक था, सरल और सुलभ था, जिसे उस पर विश्वास नहीं करने वाला सरलता से मिथ्या कह सकता है। बाइबिल में ईश्वरीय वचन है, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, मत्ती 11:27। स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, यूहन्ना 6:44। बाइबिल की इस साक्षी से स्पष्ट है कि उसके परमेश्वरत्व पर विश्वास लाना केवल दैविक प्रकाशन का ही फल है। इसके अभाव में प्रभु यीशु को पिता के इकलौते के रूप में पहचानना दुष्कर ही नहीं, अनहोना है। यद्यपि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मानवीय स्वरूप में प्रकट हुआ और उसके जन्म तथा वंशावली से सब लोग परिचित थे, तो भी उसके परमेश्वरीय सामर्थ्य के दावे लौकिक करिश्मों की तरह वरन स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं थी। उसने कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ, यूहन्ना 6:41। उसको सुनने वाले यहूदी थे और उसके आत्मिक अर्थों को समझते थे। अपने कथन को स्पष्ट करते हुए प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है, यूहन्ना 6:51-52। जो लोग उसके आसपास खड़े थे चकित होकर कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, यूहन्ना 6:42। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व उन यहूदियों और आज भी संसार के हर व्यक्ति के सामने पहली के रूप में खड़ा है। वह कैसा अनुपम मनुष्य था जो दावा कर रहा था कि मैं मनुष्य से किसी गुरु, अवतार, महात्मा या महापुरुष से बढ़कर हूँ। केवल उसी ने दावा किया कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूँ और यूँ स्वयं को परमेश्वर के स्वरूप में प्रकट किया। वह स्वर्गीय था, वह ऊपर का था। अनोखी और आश्चर्यजनक बातें, तिलस्मी और जादूगरी क्रियाएं सदा ही मनुष्य को अपनी ओर ज़्यादा ही आकर्षित करती रही हैं। इसीलिए पहले के चतुर लोगों ने धार्मिक और ईश्वरीय बातों के साथ जादूगरी और अनोखी बातों को भी मिला दिया है। हमारे देश में भी कुछ वर्षों पहले तक गांवों और कस्बों में हजारों लोग संध्या के समय चौपाल पर इकट्ठा होकर साधु महात्माओं और धार्मिक शूरवीरों की अनोखी कथाएं सुनने के आदि थे। श्रोताओं के आश्चर्य को बढ़ाने के लिए अद्भुत बातें सुनाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति जनता को आकर्षित करने के लिए घंटों या दिनों तक अपने को जमीन में गाड़ने को तैयार होते हैं। कई ऐसे जन धन संपत्ति दुगुना करने, कार्य सिद्ध करने, इच्छित व्यापार में लाभ दिलाने के काम करते हैं। लोग इनको दैविक शक्ति का प्रमाण समझते हैं। आम लोगों की धारणा रहती है कि उनके धार्मिक नायक सदा इसी तरह से अपने दावों को प्रमाणित करते हैं। जब से शिक्षा का विकास हुआ है, हमारे देश में विकसित दिमाग के लोग ऐतिहासिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से सब कुछ परख रहे हैं, और इसका परिणाम यह हो रहा है, धर्म पर से उनका विश्वास उठता जा रहा है। लोगों की इस अस्थिरता से आजकल के नए नए वाद, कल्ट, महर्षि और भगवान बड़ा लाभ उठा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपनी सेवा के आरंभ में यह परीक्षा आई कि वह जनता की भक्ति तथा विश्वास प्राप्त करने के लिए अनोखे और आश्चर्यजनक कार्य करे। 3 बार शैतान उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने लगा। उसने प्रभु से कहा, तू कह दे तो पत्थर रोटी बन जाएंगे, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए अपने को पवित्र मंदिर में सबसे ऊंचे पर चढ़ाकर नीचे गिरा, ताकि तुझे चोट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर तुझे झेल लेगा। फिर उसने उसे सारे संसार के राज्य एवं वैभव को देने को भी आकर्षित किया, ताकि संसार उसे तत्काल जान जाए। लेकिन प्रभु यीशु
इन सारी परीक्षाओं में जयवंत निकला। मसीह के विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन आरंभ से अंत तक दिव्यता से परिपूर्ण है, किंतु इस दिव्यता के चिन्ह विभिन्न श्रेणी के हैं जिसे मनुष्य ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। प्रभु यीशु के मानवीय स्वभाव के गूढ़तम भागों को छूने की समझ संसार के निकृष्टतम व्यक्ति के प्रति भी अत्यंत सहानुभूति, अधम से अधम व्यक्ति को पाप से मुक्त करने के लिए उसकी तत्परता, दयालुता, करुणा एवं क्षमा से उत्पन्न उसका अलौकिक प्रेम, अद्भुत शिक्षा, अपूर्व दावे, पापियों के लिए मृत्यु का वरण, मृतकों में से जी उठना और उसका स्वर्ग पर उठा लिया जाना, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो उसके परमेश्वरत्व को सिद्ध करते हैं। जैसे इस संसार की यात्रा में उसके जीवन की क्रिया विधि थी, वैसी ही मानव जाति की भी होनी चाहिए। यही एक उपाय है मनुष्य का ईश्वर के लिए और ईश्वर का मनुष्य से मिलने के लिए। ज्ञान की प्रगति ने मनुष्य के सोच विचार के मकड़ी जाले को तोड़ फेंका है। जहां जहां भी सत्य के अन्वेषण का सूर्य उदय होता जा रहा है, वहां वहां पुरातन पंथी एवं काल्पनिक परंपरावादी मान्यताओं का अंधकार छटता जा रहा है। मित्र, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रभु यीशु की ज्योति का सत्य, जो अनंत जीवन का शाश्वत मार्ग है, आपके जीवन में प्रवेश करे, तो तीव्रतम तिमिर की परतें भी छिन्न भिन्न हो जाएंगी और परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा। क्या आप उसके लिए अपने हृदय द्वार को खोलेंगे? आपको आशीष मिले, इसी प्रार्थना के साथ आमीन। Oh,